अमृत योजना के तहत 10 लाख लीटर पानी वाली टंकी ट्रांसपोर्ट नगर को समर्पित की उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने। पिछले कई सालों से या यूं कहें ट्रांसपोर्ट नगर जब से बना है तब से आज तक पानी की समस्या से जूझ रहा था। आज उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अमृत योजना के तहत 10 लाख लीटर क्षमता वाली पानी टंकी का विधिवत उद्घाटन करके ट्रांसपोर्ट नगर की चिरपरिचित मांग पूरी कर दी। इस दौरान मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के तहत 5 करोड़ की लागत से बनी कंक्रीट सड़क का भी लोकार्पण मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। इन दोनों मांगों को पूरा कर मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ट्रांसपोर्ट नगर के विकास के नए रास्ते जरूर खोल दिए। आप जिसका दौरा किया था तो उन्होंने ये कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर की टंकी अगर नहीं बनेगी तो पूरा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। इस तरह उन्होंने हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिन, ट्रांसपोर्ट नगर जो नाम के लिए तो ट्रांसपोर्ट नगर था लेकिन अधोसंरचना के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ट्रांसपोर्ट नगर का उद्घाटन आज से 30 साल पहले बिना रोड के ही कर दिया गया था। WBM बना के इसका लोकार्पण हो गया, ना टंकी ना पानी ना सोलर कॉम्प्लेक्स, और जिसके कारण बदहाली की हालत में हमारे यहाँ के लोग काम कर रहे थे। जब भी मैं निकलता था लोग यही कहते थे कि साहब इतने बड़े बड़े गड्ढे ट्रांसपोर्ट नगर में हैं, यदि कोई गाड़ी अंदर आती है तो या तो उसका कमानी टूट जाता है या पट्टा टूट जाता है और गाड़ी बिल्कुल बैठ जाती है। इसलिए हमारे यहाँ का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा। मजदूर में गाड़ियों को मुख्य सड़क में खड़ा करना पड़ता, अंदर लाने की हिम्मत नहीं पड़ती, फिर अंदर घुस के अपना काम करके और फिर सामान को वहाँ पहुँचाना पड़ता था। और मुख्य रोड में गाड़ी खड़ी होती थी तो ट्रैफिक वाले भी परेशान करते। कुल मिला के समाधान सिर्फ यही हो सकता था कि पूरे ट्रांसपोर्ट नगर के 6.5 किलोमीटर का जो एरिया है कहीं पे 4 लेन का व्यवस्था थी, कहीं 2 लेन की व्यवस्था थी, कहीं पे सिंगल लेन की व्यवस्था थी। उस पूरी सारी रोडों को कंक्रीट की शानदार सड़कें बना दिया जाए, इसके अलावा यार इस क्षेत्र के विकास का कोई दूसरा विकल्प समाधान नहीं हो सकता।